नवी मुंबई महापे में एक ब्रिज का काम शुरू है, जहां लोहे के रॉड तथा लोहे के सेट्रिक के सामान रखे हुए थे और इस सामान की देखरेख की जिम्मेदारी जिस सुरक्षा रक्षक पर थी, उसको धमकाकर दो चोर 98,000 रुपए का माल लेकर भाग निकले। लेकिन इस बात की सूचना जब पुलिस को लगी, तब उन्होंने टेम्पो ढूंढकर पकड़ लिया और साथ ही दो आरोपी पहुंच गए सलाखों के पीछे। पकड़े गए आरोपी इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के विषय में पुलिस अधिकारी चंद्रसेन देशमुख ने अधिक जानकारी दी। जी हाँ, रात में 11 बजे के आसपास चार लोग वहां एक टेम्पो लेके गए थे। वो टेम्पो ने एक टेम्पो में उन्हें जो बीच के नीचे जो सामान पड़ा था, बांधकाम का साइट है, लोखंडी सामान उसको उठा के लेके जा रहे थे। जब वहां के वॉचमैन ने उनको टोका तो उन्होंने वॉचमैन को धमकाया, चुप बैठ, अगर चुप नहीं बैठा तो मारेंगे। उसको धमका के चुप बिठा दिया और ये टेम्पो में सामान भर के जा रहे थे और जाने के बाद वो भाग गए वॉचमैन को धमका के। लेकिन जब पुलिस को खबर मिली रात की ड्यूटी में, तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर है, जो एपीआई शिंदे और पीएसआई वाघमारे जो ड्यूटी पे थे रात में, उन्होंने पूरे नाकाबंदी करके हद्दी में इनको ये टेम्पो सहित और चोरी किए हुए माल के सहित पकड़ा है। करीब 90,000 रुपीज का वो माल है, बांधकाम साहित्य है, सेंटरिंग की जो चौकट वगैरह, जो एंगल वगैरह, ऐसा सामान है। आप देख सकते हैं ये वही चोरी का माल है जिसे दो आरोपियों ने सुरक्षा रक्षक को धमकाकर चुराया था। पकड़े गए आरोपियों से तुरभे पुलिस तफ्तीश कर रही है। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।